नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के डाटा को किस प्रकार से सेट किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। देखिए दोस्तों, मैंने एक्सेल के अंदर एक शीट बनाई है जिसके अंदर है नेम, स्टेट और डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें कुछ नीचे नाम लिखे हुए हैं और फिर उनका जन्म स्थान लिखा हुआ है और नीचे उनकी डेट लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं और उनके नाम के आगे फिर उनके जन्म स्थान की जो जगह है वो लिखी हुई है, फिर डेट लिखी हुई है। अब यदि हमारे पास ऐसी बहुत सारी मतलब डिटेल हो, अब मैंने इसमें छोटी सी डिटेल बना रखी है लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसी बहुत लंबी डिटेल होती है तो हमारा बॉस हमसे ये कहते हैं कि ये जो हमारे नेम है, स्टेट है और डेट ऑफ बर्थ है, एक कॉलम के अंदर आ जाए यहाँ पर और उसके नीचे फिर नेम आए और स्टेट के नीचे स्टेट आए और डेट ऑफ बर्थ के नीचे डेट ऑफ बर्थ आए। तो वो किस प्रकार से हम करेंगे उस बात की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों मोस्टली यूज़र क्या करते हैं कि ये सारे डाटा को कॉपी पेस्ट करने लगते हैं या कट पेस्ट करते हैं जिसमें कि बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है। तो इसमें मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे मुझे यहाँ पर सेट करना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए पहले ये जो हमारा कॉलम है ये हमारा ए कॉलम है। ए कॉलम के अंदर देखिए नंबर वन पर है नेम, सेकेंड पर है स्टेट और थर्ड पर है डी ओ वी डेट ऑफ बर्थ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे ए वन, ए टू, ए थ्री, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके आगे एक अल्फ़ाबेट कोई भी अपने अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ एस। ये मैंने अल्फ़ाबेट इसलिए लिखा है ताकि मैं इसे रिप्लेस कर सकूँ। अब देखिए मैं इसे रिप्लेस करूँगा तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको दबाना है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ दबाने के बाद में देखिए रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। रिप्लेस में आपको यहाँ पे क्या करना है, एस लिखना है, फिर रिप्लेस विद के साथ में आपको इक्वल लिखना है यहाँ पर और रिप्लेस ऑल कर देना है। देखिए इतना करने पर आपका ये आ जाता है नेम, स्टेट और डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब यहाँ पर आपको नीचे नेम में सारे नेम देने, स्टेट देने और डेट ऑफ बर्थ देने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए यह लिखा है संजय फोर्थ नंबर पर है, फिर स्टेट है पांचवें नंबर पर और डेट ऑफ बर्थ है छठे नंबर पर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ए फोर फाइव सिक्स के हिसाब से इसको यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, ए फोर, ए फाइव और ए सिक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, फिर वैसे ही आप में इसके सामने एक अल्फ़ाबेट चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ पर फिर से ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। अब इतना करने के बाद में थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको करना है एस ए सेवन, आपको बढ़ते क्रम में लिखते हुए चले जाना है। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसे नीचे तक खींच के ले आना है। तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एफ दबाना है। कंट्रोल एफ दबाने के बाद में यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करना है। अभी देखिए ये सबके सामने एस लिखा हुआ है ना, अब ये यहाँ पे आपको फाइंड वर्ड में एस लिखना है, रिप्लेस विद में इक्वल लिखना है और रिप्लेस ऑल कर देना है। देखिए रिप्लेस ऑल करते ही देखिए सारे नाम भी आ गए हैं, उनके स्टेट भी आ गए हैं और डेट ऑफ बर्थ भी आ चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपके पास बहुत लंबी शीट है और आपको उसमें नाम और स्टेट और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने हैं तो इस प्रकार से आप उसे सेट कर सकते हैं। ये एक छोटी सी शीट थी, आपके पास उसका बहुत बड़ी शीट हो, बहुत बड़ा डाटा हो तो आप इस प्रकार से उसमें फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं और मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाऊं।
और यदि इस वीडियो के संबंध में आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो भी बनाकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, वंदे मातरम।